आप लोग मेरे घर गए थे? हाँ, क्यों? तुम्हारे घर जाना मना है क्या? या कर्फ्यू लगा हुआ है? अब सामने से हटो, उसका डांस आने वाला है, बड़ा अच्छा नाचती है, हटो ना भाई। अरे ये क्या बदतमीजी है, नजर नहीं आ रहा हम टीवी देख रहे हैं? हाँ, आप लोग मेरे घर क्यों गए थे मेरी शिकायत लगाने? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अगर आप लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें, मेरे घर वालों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं हर मामले में? ये रिश्ता तुम्हारी माँ और भाभी ने किया था ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि तुम क्या करते फिर रही हो। उन्होंने ये सिखा कर भेजा कि बड़ों से सवाल जवाब करो। हाँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने आपसे? घर के मसलों को घर में ही सुलझाना चाहिए, बस यही मतलब था मेरा कहने का। बस हम यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए तुम्हें नहीं लाए, हमें अच्छी तरह मालूम है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जब तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती तो तुम्हारे बड़ों से बात करेंगे ना। मैंने आप लोगों से कह दिया था ना कि मैं दूसरी जॉब बहुत जल्दी ढूंढ लूंगी, लेकिन उस बैंक में कतन काम नहीं करूंगी। यही बात बुरी लगी है ना आप लोगों को मेरी? मुझे मेरा फैसला करने का इतना हक तो है ना? शादी के बाद औरत पर सारे हक उसके शौहर के और ससुराल वालों के होते हैं। औरत शौहर की गुलाम होती है। मियां बीवी का रिश्ता गुलामी का नहीं, मोहब्बत और एतमाद का होता है। देखो जरा, देखो कैसे जुबान चला रही है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि माँ से बदतमीजी ना किया करो, कौन सी जुबान समझती हो तुम? हाँ, क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती कि आप लोग मेरी शिकायत लेकर मेरे घर क्यों गए थे? बिल्कुल भी नहीं। इस घर में बड़ों से सवाल जवाब नहीं किए जाते। लेकिन तुम ये कैसे जानोगे? तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हें तमीज सिखाई हो तब ना। चलो दफा हो यहां से, चलो यहां से। सारा मूड खराब कर दिया। कौन से गुनाह की सजा मिली है मुझे? मुझे पता होता कि शादी ऐसे जहन्नुम का नाम है जिसकी आग से इंसान कभी नहीं निकल सकता, तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। मोहब्बत में धोखा मिला तो सोचा था कि रिश्तों को निभाऊंगी और पुरानी मोहब्बत को कभी याद नहीं करूंगी, मगर यहां भी किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया। फहद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में तुम भी शामिल हो। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं, तुम रोगे तड़पोगे, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। इश्क वफा, इश्क दवा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। इश्क वफा, इश्क दवा।